हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ओरिजिनल सिन के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वॉचर के कातिल को ढूंढने के लिए एक रहस्यमय शख्स तीन अलग अलग टीमें बनाता है, जिसमें से पहली टीम जो ब्लैक पैंथर की थी वो अर्थ के कोर में जाती है, दूसरी टीम जो डॉक्टर स्ट्रेंज और पनिशर की थी वो दूसरे डायमेंशन में जाती है, और तीसरी टीम जो बकी बांज की थी वो स्पेस में जाती है। और वहां पहुंचने के बाद उन्हें एक ऐसा प्लैनेट मिलता है जो दरअसल में ईगो की तरह लिविंग प्लैनेट तो था, लेकिन कुछ ही समय पहले उसे उन्हीं गामा बुलेट्स का यूज करके किसी ने मार दिया था। और ये देखने के बाद बकी वहां से गायब होकर सीधे निक फ्यूरी के पास जाता है और उसे मारकर वो उसके सिर को काट देता है। अब आगे हमारी कहानी की शुरुआत एक दूसरे डायमेंशन से होती है, जहां पर पनिशर और डॉक्टर स्ट्रेंज इस वक्त उस लाश पे खड़े होकर उसे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। उस मॉन्स्टर की लाश में उन्हें गामा बुलेट्स मिलने के बाद उन दोनों को ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि उसे मारने वाला दरअसल में कौन था, लेकिन जैसे ही पनिशर ने उसे उन 10 लोगों का नाम बताया, डॉक्टर स्ट्रेंज इस बात को समझ गया था कि ये सब कुछ दरअसल में किसने किया था। और इसी वजह से वो पनिशर से कहता है कि उसे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उसे झूठ बोले, और इस केस में उसके साथ यही हुआ था, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज को लगता था कि उन्हें भेजने वाले शख्स ने उनके साथ धोखा किया है। और ये बोलने के बाद वो पनिशर से कहता है कि वो इस बात को जानता था कि अब उन्हें कहां जाना है। और इधर अर्थ के कोर में भी ब्लैक पैंथर, एमा फ्रॉस्ट और एंटमैन के बीच ठीक इसी तरह की बात हो रही थी। उस गुफा को इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो तीनों लोग ये चीज समझ चुके थे कि अब उन्हें कहां पर जाना है, और इसी वजह से वो अपने सवालों के जवाब ढूंढते हुए एक बार फिर से अर्थ के सरफेस पे लौटने लगते हैं। लेकिन अर्थ के सरफेस पे पहुंचते ही ब्लैक पैंथर उस शिप को रोकता नहीं है, बल्कि सीधे उसे स्पेस में जाने देता है। जब एंटमैन और एमा फ्रॉस्ट उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें ये चीज कहता है कि उसने उस रहस्यमय शख्स के कॉल को ट्रैक कर लिया था, और इसी वजह से उसे पता चल चुका था कि उन्हें कॉल करने वाला दरअसल में कहां पर था, और इस वक्त ब्लैक पैंथर उसी का पीछा कर रहा था। लेकिन इधर एवेंजर्स टॉवर में निक फ्यूरी की मौत हो जाने के बाद हल्क और वुल्वरीन उसकी लाश को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक वहां पर पनिशर और डॉक्टर स्ट्रेंज आ पहुंचते हैं, और निक फ्यूरी की लाश को देखकर उन दोनों को ये लगता है कि उसे उन दोनों ने मारा था। और इससे पहले कि वुल्वरीन उन दोनों को अपनी सफाई दे पाता, डॉक्टर स्ट्रेंज उसे वहीं बांध देता है, और पनिशर अपनी गन का यूज करके हल्क को उस बिल्डिंग से बाहर भेज देता है। वो दोनों ही फ्यूरी की लाश के पास जाकर उसे देखते हैं, लेकिन तब डॉक्टर स्ट्रेंज को ये चीज पता चलती है कि उस बिल्डिंग में एक शख्स ऐसा था जो उनकी मदद कर सकता था, और तब वो लोग मिस्टर ऑप के पास जाते हैं, जिसे एवेंजर्स ने अभी भी अपने टॉवर में ही रखा हुआ था। ऑप के पास पहुंचकर डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहता है कि वो लोग उसे वहां से ले जाने आए हैं, लेकिन उनकी बात सुनने के बाद मिस्टर ऑप उन्हें बताता है कि वो ये चीज जानता है कि उन्हें दरअसल में किसने भेजा था, और इसी के साथ साथ वो उनसे ये भी कहता है कि उसने अनसीन को देखा था, एक ऐसा शख्स जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। लेकिन इससे पहले कि मिस्टर रॉब आगे कुछ भी बोल पाता, पनिशर उनसे कहता है कि हल्क एक बार फिर से वापस आ चुका था, और इसी वजह से उन्हें वहां से निकलना होगा, और वो लोग मिस्टर रॉब को लेकर वहां से निकल जाते हैं। इधर स्पेस में ब्लैक पैंथर की टीम उस सिग्नल को ट्रेस करने के बाद एक बड़े से बेस पर पहुंच चुकी थी, एक ऐसा बेस जिसके एग्जिस्टेंस का किसी को पता ही नहीं था। वो लोग अपने शिप को डॉक करने के बाद उस बेस के अंदर घुसते हैं, लेकिन थोड़ी ही अंदर जाने के बाद उनकी मुलाकात डॉक्टर स्ट्रेंज और पनिशर से होती है, और उन्हें देखते ही पनिशर अपनी गन को उनकी तरफ पॉइंट कर देता है। ब्लैक पैंथर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि पनिशर को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसे जवाब देता है कि वॉचर की मौत हो जाने के बाद उसे अब किसी पे भी भरोसा नहीं था, और इसी वजह से वो पनिशर से उसकी गन नीचे करने को नहीं बोलेगा। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज की बात सुनते ही ब्लैक पैंथर की नजर वहां मौजूद ऑप पे पड़ती है, और वो उनसे पूछता है कि क्या वॉचर की मौत के लिए मिस्टर ऑप जिम्मेदार था। लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर स्ट्रेंज उनके सवाल का जवाब दे पाता, उनकी नजर बकी बांज पे पड़ती है, जो निक फ्यूरी के सिर और वॉचर की आंख के साथ वहां पर आ पहुंचा था। बकी को देखते ही पनिशर अपनी गन को उसकी तरफ पॉइंट कर देता है, और उससे पूछता है कि उसके हाथ में निक फ्यूरी का कटा हुआ सिर क्या कर रहा था, और तब बकी उन्हें ये चीज बताता है कि निक फ्यूरी को मारने वाला शख्स दरअसल में वही था। लेकिन इससे पहले कि वो लोग आगे बात कर पाते,
बकी बांस की बची हुई टीम यानी कि गमोरा और मून नाइट भी वहां पर आ पहुंचते हैं और बकी को देखते ही गमोरा उस पर अटैक करने लगती है। बकी बांस उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने उसे जानबूझकर उस प्लैनेट पे नहीं छोड़ा था और ऐसा करके वो सिर्फ उन दोनों की जान बचा रहा था, लेकिन गमोरा उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो एक के बाद एक उस पर वार करने लगती है और अपने आप को बचाने के लिए बकी बांस निक फ्यूरी के सिर को आगे कर देता है और गमोरा की तलवार सीधे जाकर उसके सिर में घुस जाती है। और तब वहां मौजूद लोगों को ये चीज रियलाइज होती है कि निक फ्यूरी दरअसल में एक रोबोट था और ये देखने के बाद उस कमरे में मौजूद सारे के सारे सुपर हीरोज पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और उनके मन में कई सारे सवाल उठने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक उस रूम के दरवाजे खुलते हैं और वो लोग पलट कर देखते हैं कि उनके सामने एक काफी बूढ़ा सा निक फ्यूरी खड़ा था। और इतना ही नहीं, उस निक फ्यूरी के पीछे ठीक उसी के जैसे दिखने वाले दो और रोबोट्स खड़े थे। उसे देखने के बाद उन सारे सुपर हीरोज के मन में और कई सारे सवाल खड़े होने लगते हैं। लेकिन तब वो बूढ़ा निक फ्यूरी उन सबके पास आकर उन्हें अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो उन्हें बताता है कि आज से कई सालों पहले जब वो वॉर में अपने देश के लिए लड़ रहा था तब उसे पहली बार ये चीज पता चली थी कि इस यूनिवर्स में इंसानों के अलावा और भी दूसरी स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं और एक पोर्टल से निकले हुए उन एलियंस ने निक फ्यूरी और उसकी टीम पर अटैक कर दिया था। वो लोग काफी बुरी तरह से घायल हो गए थे और निक फ्यूरी अपनी जान गंवाने ही वाला था कि तभी अचानक एक रहस्यमय शख्स आकर उसकी मदद करने लगता है और निक फ्यूरी ये चीज देखता है कि वो रहस्यमय शख्स दरअसल में एक काफी हाईटेक सूट पहना हुआ था और उसी एलियन फोर्स से होने वाली लड़ाई में वो शख्स काफी बुरी तरह से घायल हो जाता है। निक फ्यूरी उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो शख्स काफी बुरी तरह से घायल था और उस शख्स की मौत होते ही निक फ्यूरी के सामने हॉवर्ड स्टार्क आता है, जिसे देखते ही निक फ्यूरी अपनी गन निकाल लेता है और उससे पूछता है कि आखिरकार वो शख्स कौन था। और तब हॉवर्ड स्टार्क उसे ये चीज बताता है कि वो शख्स दरअसल में अर्थ का प्रोटेक्टर था और ये बताने के बाद वो उसे एक सीक्रेट बेस पे ले जाता है, जहां पहुंचते ही निक फ्यूरी को ये चीज रियलाइज होती है कि वो बेस दरअसल में बहुत ही ज्यादा हाईटेक था और हॉवर्ड स्टार्क उसे बताता है कि उस जगह पर मौजूद सारी की सारी टेक्नोलॉजी दरअसल में एलियन थी और वो मरने वाले शख्स का नाम दरअसल में वुड्रो मैकॉर्ड था। निक फ्यूरी हॉवर्ड स्टार्क से कहता है कि उसे हॉवर्ड की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी और तब हॉवर्ड स्टार्क उसे ये चीज समझानी शुरू करता है कि वो लोग एक ऐसी जगह पर थे जो दरअसल में पूरी तरह से अंडरकवर थी और उसके बारे में किसी भी देश की आर्मी या गवर्नमेंट को नहीं पता था। वो उसे बताता है कि उस जगह पर रहने वाला शख्स वुड्रो मैकॉर्ड दरअसल में अर्थ का प्रोटेक्टर था और वो अर्थ पे आने वाले हर एक खतरे का मुकाबला करता था और उसे अर्थ तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर देता था। और हॉवर्ड स्टार्क उसे ये पूरी कहानी समझाने के बाद मैकॉर्ड की जगह अर्थ का प्रोटेक्टर बनने के लिए कहता है और उसके बाद से लेकर आज तक निक फ्यूरी इस अर्थ का प्रोटेक्टर था और इसी वजह से उसने कई सारे खतरों को अर्थ तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया था। वो उन्हें बताता है कि अर्थ के सरफेस के नीचे मौजूद वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स दरअसल में निक फ्यूरी ने ही मारे थे और उन्हें मारने का सिर्फ यही रीजन था कि वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स अर्थ पर अटैक करने वाले थे और इसी तरह वो दूसरे डायमेंशन का मॉन्स्टर और स्पेस में मौजूद वो लिविंग प्लैनेट ये सारे के सारे दरअसल में अर्थ के लिए थ्रेट थे और इसी वजह से निक फ्यूरी ने इन्हें पहले ही खत्म कर दिया था। वो उन्हें बताता है कि जो काम निक फ्यूरी कर रहा था वो करने के लिए वो किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता था और इसी वजह से उसने इस बेस को रन करने के लिए अपने क्लोन्स बनाए थे। लेकिन इसी के साथ निक फ्यूरी उन्हें ये भी बताता है कि वो एक जानवर नहीं था। इतने सालों तक उसने अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारी जानें ली थी लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो किसी की भी जान ले ले। जैसे कि एक बार उसे ये चीज पता चलती है कि न्यूयॉर्क शहर में एक रेडियोएक्टिव इंसान घूम रहा था और उसे ढूंढने के बाद निक फ्यूरी उसे शूट करने वाला ही था कि तभी उसे ये चीज रियलाइज होती है कि वो इंसान बाकी मॉन्स्टर्स की तरह नहीं था और उसकी गट फीलिंग कह रही थी कि उसे उस इंसान को एक मौका देना चाहिए था। और तब हमें ये चीज पता चलती है कि वो शख्स दरअसल में स्पाइडरमैन था और निक फ्यूरी उन्हें इसी तरह के कई सारे और भी एग्जांपल्स देता है, जिन्हें सुनने के बाद वो सारे के सारे सुपर हीरोज कुछ देर तक तो चुप रहते हैं लेकिन फिर वो उससे पूछते हैं कि आखिरकार निक फ्यूरी ने उन्हें वहां पर क्यों बुलाया था। और इसके जवाब में फ्यूरी उन्हें ये बताता है कि उसने उन सारे सुपर हीरोज को वहां पर इसीलिए बुलाया था ताकि उनमें से एक निक फ्यूरी की जगह ले सके।
थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मैं इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगा, तब तक प्लीज आप मेरे बाकी के वीडियोस को देखकर एंजॉय करिए, और प्लीज मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।